Welcome back to my channel. I am Manika, and if you guys are watching me for the first time, फटाफट से please channel को subscribe कर दो. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. So by the title of the video, आपको पता चल गया होगा कि मैं जा रही हूँ Goa by road, and this is the first time मैं Goa जा रही हूँ by road. And मेरे previous vlog से आपको पता चल गया होगा that I am in Maharashtra. So यहाँ से Goa is almost 200 kilometers, and Google map पे दिखा रहा है 5 घंटे, but I think रुक आके हमको 6 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में. तो हम कोल्हापुर से ट्रैवल कर रहे हैं टू गोवा, एंड रास्ते में मैंने सुना है कि बहुत अच्छे सीनिक व्यूज हैं. सो मैं सारा का सारा पूरा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा. एंड यस, हम रास्ते में हैं एंड यू गोना गो टू गोवा बाय रोड. आई एम लाइक रियली 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 एक्साइटेड. सो वी हैव रीच्ड अम्बोली एंड हम एक जगह पे रुके हैं यहाँ पे, एंड वहाँ पे हम खा रहे हैं ये कांदा भजिया एंड वड़ा पाव. सो यस, एंड दिस प्लेस इज लाइक वेरी ब्यूटिफुल जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ. जस्ट लुक एट द व्यू. आई डोंट थिंक समरा कोई भी जस्टिस कर रहा होगा इस व्यू को. एंड दिस प्लेस इज लाइक ऑलमोस्ट 2 आवर्स अवे फ्रॉम कोल्हापुर, और अभी हमें 2-2.5 घंटे गोवा पहुँचने में लग जाएंगे. यहाँ मेरे फ़ोन में बहुत कम नेटवर्क आ रहे हैं, एंड आई शो यू मैं क्या क्या खा रही हूँ. आई वॉज लाइक सो हंग्री. साबुदाना वड़ा, दैट इज कांदा भजिया, वो वड़ा पाव मैं खा गई, और ये एक चटनी है. दिस इज मेड अप ऑफ कोकोनट. रास्ता वॉज लाइक सो ब्यूटिफुल, एंड हम सारे घाट क्रॉस करते हुए आए. पहले हमने महाराष्ट्र क्रॉस किया, देन हमने कर्नाटका क्रॉस किया, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. दे वर लाइक ऑल ग्रीन ट्रीज अराउंड, पाम ट्रीज, सारे बहुत ग्रीनरी थी. और अब हम गोवा पहुँच चुके हैं, एंड अभी 1 घंटा दूर है अंजुना. हमारे 2 दिन का होटल बुक है. सो येस, हम एक्साइटेड. फाइनली बाय रोड हम गोवा पहुँच गए. हम निकले थे 9:15 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 2:45. सो ऑलमोस्ट हमें लग जाएंगे 5.5-6 आवर्स. बट देन द जर्नी वॉज नॉट एट ऑल टायरिंग, कि मतलब हम बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा टायरिंग है नहीं. हम बहुत ज़्यादा हमने स्टॉप भी नहीं लिया, हम बस अम्बोली में रुके थे टू हैव वड़ा पाव एंड कांदा भजिया. Finally, I've reached my hotel. 6 hours of long journey, hotel पहुँच गई हूँ मैं, और अब हम चलेंगे कहीं घूमने थोड़ा सा freshen up होने के बाद. Stay tuned. हम निकल गए आप होटल से, एंड मैं आपको quickly अपना outfit दिखाती हूँ. तो that's what I'm wearing. नाउ एंड हम होटल से निकले थे. वी वेंट टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर टू बाय सम थिंग्स. तो मैंने खरीदा ये बनाना चिप्स, ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, एंड आई क्रेव दीज द मोमेंट आई कम टू गोवा. तो ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के हो गए इनके. सो ये ना गोल नहीं है, ये ना लंबे वाले बनाना चिप्स हैं. सो मतलब पूरे केले को काट के इन्होंने बना रखा है, एंड स्पाइसी एंड आई रियली लाइक इट. इट्स नॉट द कन्वेंशनल बनाना चिप्स, बट दूसरे टाइप के थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. और ये हम स्टिक्स ले ली, दोस्त की ज़रूरत नहीं थी, बस स्टिल ले ली, एंड छोटा मोटा थोड़ा सा और सामान लिया. अब हम जा रहे हैं दिस प्लेस कॉल्ड उलाला. सो इट्स अ सनडाउनर सीन देयर, बट देन ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है. तो बट हम रात में जा रहे हैं, मतलब 7ish तक हम पहुंच जाएंगे. सो यस, हम वी गोना एंजॉय देयर.
सो अभी हम हैं सियोलिम में एंड देयर इज दिस बीच गोइंग. So we entered this place and this place was so beautiful. It was alongside the river and the view and the sunset was amazing from there. And itna beautiful yahan pe ek jhula bhi tha jis pe baith ke sab pictures wagera click karwa rahe the and raat hone pe bhi ye equally beautiful tha jitna ye sham mein tha. So that's my food. Ye hai hummus and pickled vegetables special for kashia bread and that's my fresh juice. बट इसका खाना इतना बुरा था स्पेशली दिस बीफ स्टेक. वी हैड टू गेट इट रिप्लेस्ड बाय अ पिज्जा. सो दिस इज द पिज्जा. ये भी मुझे कुछ बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा है यार. एंड वहाँ पे थी अरेबियन नाइट्स एंड वहाँ पे थी परफॉर्मेंस स्पेशली दिस बेली डांस परफॉर्मेंस. इट वॉज सो अमेजिंग. द गर्ल्स वर सो ब्यूटिफुल. सो हम उलाला से बाहर निकल आए हैं. वहाँ पे अरेबियन नाइट्स हो रही थी एंड बेली डांसिंग थी एंड फायर शो था. वी इन्जॉयड इट बट द वर्स्ट पार्ट वॉज लाइक द फूड देयर. इट वॉज पथेटिक. आई मीन लाइक इट वॉज वर्स. सो अब हम डिनर करने के लिए आए हैं इन अ बर्मीज रेस्टोरेंट अंजना में कॉल्ड एस बॉमरस. इट्स वेरी फेमस एंड यहाँ पे वी गोना हैव आवर डिनर. Bombers was a very calm place with very calm lighting and calm music and the food there was delicious. Hello everyone, so this is day 2 Goa. Good morning. And kal humne kya kiya? Kal hum aaye, hum departmental store gaye chote chote cheeze li and uske baad kal hum gaye to a place called Ulala. It's in Siolim next to Thalassa. The place was like very very beautiful. And लेकिन वहाँ का खाना was a huge disappointment. We ordered hummus platter. The bread was okay. The vegetables were not pickled and it was the worst hummus I've ever had. Then हमने एक chicken non-veg dish order किया था. We had to get it replaced. इतना बुरा था. We got it replaced with a pizza. Pizza was okay-ish. But then Goa में अभी तक का सबसे बुरा खाना जो मैंने खाया वो कल खाया था. एंड फ्रॉम अ प्लेस लाइक दैट इट्स बाय अ वेरी वेल नोन इन्फ्लुएंसर लारिसा डीसा. बट द प्लेस वॉज ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. फूड वॉज नॉट अप टू द मार्क. बट देन वहाँ पे हो रही थी अरेबिक नाइट्स सो इट बैलेंस्ड इट आउट. इट वॉज फन. द परफॉर्मेंसेज वर लाइक अमेजिंग. बेली डांस परफॉर्मेंस एंड अ फायर शो बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस थी एंड सारा कुछ बैलेंस हो गया उससे. बट देन वी वर स्टिल हंगरी. तो उसके बाद हम डिनर करने गए टू अ प्लेस कॉल्ड बॉमरस. इट्स इन अंजना एंड इट इज़ अ बर्मीज रेस्टोरेंट एंड वहाँ का खाना वॉज अमेजिंग. लाइक द बेस्ट फूड एवर हैड इन गोवा. बहुत अच्छा बहुत टेस्टी खाना था. बर्मीज फूड था एंड माइंड ब्लोइंग. इट वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग. सो यस उसके बाद वापस आ गई होटल एंड फिर उसके बाद मैं सो गई. अभी उठी हूँ एंड अभी जा रही हूँ मैं होटल में ही ब्रेकफास्ट करने. सो यस आज क्या करेंगे देखते हैं. तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने. सो हम निकल आए हैं होटल से एंड वी आर गोइंग टू द बीच. इट्स ऑलमोस्ट 10:45 अभी एंड हम बीच जा रहे हैं. हम बागा बीच जा रहे हैं जो कि हमारे होटल से 15 मिनट दूर था. सो यहाँ पे कयाकिंग होती है. ये बागा में है हम. सो प्लान कैंसिल. हम बागा से निकल चुके हैं और बागा बीच का क्राउड थोड़ा सा ऐसा सा ही था. तो हम मतलब वी कुड नॉट स्टे देयर. सो हम निकल गए हैं. बागा इज़ लाइक ऑलवेज फुल एंड इट्स फुल ऑफ क्राउड. कैंडल इन बागा बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं. इनके बीचेस भी बहुत क्राउडेड रहते हैं. हम जा रहे हैं वापस अंजुना एंड द होल गोवा इज़ लिट बिकॉज ऑफ क्रिसमस. आज 24th है. इट्स क्रिसमस ईव. पूरा गोवा डेकोरेटेड है एंड लोगों ने अपने घर बहुत सुंदर सुंदर तरीके से डेकोरेट कर रखे हैं.
सो अब हम आ गए हैं अंजना, तो वी आर गोइंग टू अंजना बीच। यहाँ पे हमने पीछे गाड़ी पार्क की है और अब हम अंजना जा रहे हैं। अंजना बीच जाते टाइम रास्ते में ये सारी मार्केट्स आती हैं एंड यहाँ पे हवाईयन शर्ट्स एंड बीच ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं, एकदम गोवा टाइप के कपड़े। एंड इनके प्राइस होते हैं समवेयर क्लोज टू 100 to 500, यू कैन इजीली बार्गेन देयर। एंड वहाँ पे सारे से गोवा टाइप के। Then we went to this cafe called Eva Cafe. It was so beautiful. It is one of the most beautiful cafe I've ever come across. एंड ये था इनका वेटिंग वाला एरिया। इट वॉज सो क्यूट एंड सो एस्थेटिक। सो वी आर वेटिंग ईवा कैफे में, बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है अभी, तो 15 मिनट की उन्होंने वेटिंग बताई है। सो वी आर वेटिंग हियर एंड जस्ट लुक एट द प्लेस, लुक एट द वेटिंग एरिया। इट्स सो क्यूट एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। That's a food and it looks so delicious. I mean, just look at the view. It's by the beach and yahan pe itni thandi thandi hawa aa rahi thi and we were just enjoying our food and the view. So we are done with Eva Cafe. It was like a very very beautiful cafe aur wahan pe bahut sundar cafe tha, matlab बहुत ही ज़्यादा सुंदर कैफे था और वहाँ पे चप्पल उतार के अंदर जाना था। एंड इट वाज लाइक जैसे आपने पिछले क्लिप में देख लिया होगा, एकदम उसके सामने से अंजना बीच दिखता है एंड ठंडी ठंडी हवा पूरे कैफे में आती है। एंड द फूड देयर वाज ऑसम, हेल्दी फूड, फ्रेश जूसेस, बहुत ही टेस्टी खाना एंड बहुत मतलब मज़ा आ गया उस कैफे में। एंड बट हम वहाँ से निकल आए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, सन एकदम ऊपर सर के ऊपर चढ़ रहा था। तो अब हम वापस होटल जाएंगे और नहाएंगे एंड फ्रेशन अप होंगे एंड फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ निकलना है। और अभी आई एम लाइक स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, बहुत गर्मी हो रही है। तो हम होटल से निकल चुके हैं एंड इट्स 5 PM एंड अब हम जा रहे हैं टू अ प्लेस कॉल्ड गुड प्लेस एंड आई होप ये गुड होगा। अंजना में ही है। उससे पहले हम अभी गए थे पिस्को, प्लान हमारा पूरा पूरा पिस्को जाने का था बट इट वॉज लाइक सोल्ड आउट सिंस इट्स क्रिसमस ईव। क्रिसमस पे इट्स लाइक एवरी प्लेस इज आस्किंग फॉर 4,000 पर पर्सन जो कि कवर चार्जेस हैं एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस में यही है, यहाँ पे भी यही था। सो दीज आर कवर चार्जेस और मतलब एज इन के यू नीड टू स्पेंड एट लीस्ट 4,000 पर पर्सन तो तब जाके आपको टेबल मिलेगा। बट वहाँ पे बार पे भी कोई जगह नहीं थी, इट वॉज टोटली सोल्ड आउट। एंड वैसे इतनी भीड़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइक होटल्स एंड ऑल, बट अच्छी जगह पे गोवा में स्टिल इस टाइम क्रिसमस ईव के दिन बहुत भीड़ है। तो अब हम जा रहे हैं गुड प्लेस। भाई कहीं जगह मिले ना मिले, आई एम लाइक सो हैप्पी सीइंग दिस रास्ता जा, लाइक सच ब्यूटीफुल छोटी छोटी गलियाँ, मुझे यही बहुत पसंद है। वो फाइनली हम गुड प्लेस भी नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग वी विल बी एक्सप्लोरिंग द स्ट्रीट एट उजरान। तो इस स्ट्रीट पे देयर आर लॉट ऑफ कैफेज, आंत्रेस है, तितली है, रेत है और बहुत सारे कैफेज हैं। इट्स क्रिसमस ईव, रश हुआ या नहीं समझ आया, वी गोना गो टू उजरान बीच, आई मीन लाइक बात ही खत्म। स्टेज सेट हो रहा है फॉर सनबर्न। सो फाइनली वी आर एट अ प्लेस कॉल्ड डुबली एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुली मेड एंड वी जस्ट वॉच द सनसेट फ्रॉम हियर। सो द प्लेस नेम वॉज डुबकी एंड ये उजरान रोड पे ही था एंड बीच साइड था। इट वॉज नॉर्मली क्राउडेड, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं था बट यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी। ये न्यू ओपन हुआ है एंड फूड और सर्विस बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी थी। सो ये हमने खाना ऑर्डर किया था एंड वी रियली इन्जॉयड इट। साइड बाई साइड वी इन्जॉयड द व्यू एंड कूल ब्रीज एंड इसके बाद हम वापस होटल चले गए एंड दैट इज़ इट फॉर दिस ब्लॉग। आई विल सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।